बड़े किसानों के लीडर चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो पूरा मंच ने एक निर्णय आज लिया कि आज सभा नहीं चलाएंगे, दो ढाई बजे उनको श्रद्धांजलि देंगे और फिर उसके बाद में समापन करते हैं। तो सबका जीवन हमेशा किसानों से जुड़ा रहा, गांव के लोगों से जुड़ा रहा, उनकी जो विचारधारा थी पूर्ण रूप से गांव की थी, गरीब की थी, हमेशा उसके लिए काम करते रहे। दिल्ली में भी लोग आते थे तो सबको एक गांव के लोगों की एहसास किसानों को था कि एक घर हमारा दिल्ली में है। जब तक बारह नंबर रहा या उसके बाद में बसंत रहा, लोग आते जाते रहे, उनको अपनी बात बताते थे, आगे कोई भी घटना हुई वे बड़े चाव से उस घटना को सुनते थे कि गांव से लोग आए उनके बीच में घूमते मिलते थे, बात गांव की बात करते थे। आंदोलन से भी बड़ा उनका हुआ, हाँ जब जब भी आंदोलन हुए उनका बड़ा सहयोग हुआ। और जब भी वे दिल्ली में रहे तो एक किसानों की एक किस्म से ये लगता था कि किसानों की वकालत करते थे यहाँ पर, तो बेहद ज्यादा दुखद घटना है किसानों के लिए, एक बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है कि दिल्ली में बैठने वाले वे लोग जो किसानों की बातचीत करते थे, किसानों के वकील के रूप में काम करते थे, वे पद पर रहे या नहीं रहे तो हमेशा आम जनता को एक हौसला होता था कि हमारे लोग दिल्ली में हैं। उस विचारधारा के लोग बहुत कम अब पॉलिटिकल पार्टियों में हैं, वो चाहे चंद्रशेखर जी रहे हो, देवीलाल जी रहे हो, तो साहब रहे हो, नॉन पॉलिटिकल रूप से टिकेट साहब रहे हो, और जो उस विचारधारा के लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, भी कम ही लोग रहे हैं, तो उसमें से चौधरी अजीत सिंह जी भी एक थे। आज का दिन किसान को गांव के लोगों का बड़ा नुकसान का दिन है, इस आंदोलन में भी उनकी हिस्सेदारी रही। जब यहाँ पर घटनाक्रम हुआ तो उनका भी फोन आया और मैं पूरा हौसला अफजाई करा कि हटना नहीं, घबराना नहीं और हम सब लोग साथ में हैं। बातचीत करते रहे, उसके बाद में भी फोन पर बात हुई। इलेक्शन लड़े तो घर पे भी सिसोली हो या क्षेत्र में हो तो वहां पे भी उनसे बातचीत हुई। एक दुखद घटना आज के उसकी रही, तो हम आज सब लोग किसानों की तरफ से पूर्ण रूप से किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से आज ये कि हम सच्ची श्रद्धांजलि उनको देते हैं अपनी तरफ से, समस्त किसान मोर्चे की तरफ से, कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, अपने सब चरणों में स्थान दे, और जहाँ पे भी उनका आने वाला जन्म हो, किसान परिवार को हो, किसानों के लिए संघर्ष करें आने वाले अगले जन्म में, यही हमारी पूरा ये है। और उनके जो परिवार है उनको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, यही हमारी तरफ से संयुक्त मोर्चे की तरफ से। हम दो मिनट का मौन धारण करेंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन करके, इसीलिए ज्यादा लोगों को यहाँ पे नहीं मिला, आप ऊपर से यहाँ पे आके उधर दिखा सकते हो, ऊपर से सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगाकर का पालन आप सब लोग करें, क्योंकि खतरनाक दिवाली है। तो दो मिनट का आप फोन धारण करेंगे, ऊपर लगाने का काम देंगे, वाहेगुरु को जप करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे।
अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से